जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हिराकत कोतवाली के सुल्तानपुर गांव में पुलिसिया कार्रवाई, पानी निकासी की पाइप को जबरदस्ती खड़े होकर खुदवाया, वीडियो बनाने पर महिलाओं को धमकाया, नाली उखाड़ने में लग गई किराकत कोतवाली की पूरी फोर्स, नाली उखाड़वाते समय मुस्तैद रहे दरोगा साहब और महिला पुलिसकर्मी। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां किराकत तहसील में कोतवाली किराकत के सुल्तानपुर गांव में दो पक्षों में नाली के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। 4 महीने पहले पड़ी जल निकासी की पाइप को किराकत कोतवाली पुलिस ने अपने सामने खड़े होकर उखड़वा दिया, वहीं दूसरे पक्ष के वीडियो बनाने पर पुलिसकर्मी वीडियो न बनाने की बात कहते हुए छिपते नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर गांव के समरू यादव और रामसुख यादव के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। नाली उखड़वाते समय विरोध करने पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर लेकर आई। हाँ, मेरा वीडियो बनाइए, मुझे कोई गलती बनाई, मैं लड़की हूँ, ऐसे ही मुझे लेकर नहीं जा सकते, मेरा भी कोई नियम कानून है। चुप रहा, नहीं मोबाइल तो ना देगा, चुप रहा। पाइप फूट गई, डांट दे के जाया, याद रखिया, डांट दे के जाया। पाइप फूट गई बाबा, पाइप फूटा लिया, फूटा लिया। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।